तो कौन बनेगा कांग्रेस का कप्तान? जी हाँ, इसी बड़ी खबर के साथ 11 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा झा। और सबसे पहले बड़ी खबर कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर। लंबे वक्त से चल रहा असमंजस आज लगता है कि खत्म हो जाएगा। दिल्ली में चल रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष पर फैसला हो सकता है। दरअसल CWC की बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेताओं को भी बुलाया गया है। राहुल की इच्छा के मुताबिक सभी से रायशुमारी के बाद अगले अध्यक्ष पर फैसला होगा। लेकिन अभी आपको बता दें, जो हालिया जानकारी सामने आई है, कल से लेकर के अब तक जो कयासों का दौर चल रहा है, उसके मुताबिक एक मुकुल वासनिक, दूसरे जैसा कि हमने आपको दिखाया भी, खड़गे, ये दो नाम आगे चल रहे हैं। हम सीधा रुख करते हैं रमन कुमार, मेरे साथ मेरे सहयोगी CWC के दफ्तर बाहर से जुड़े हुए हैं और बैठक में क्या होगा उस पर जानकारी देंगे। रमन, खड़गे का नाम पहले भी हम सुन रहे थे, लेकिन मुकुल वासनिक अचानक से ये नाम आया है, जरा बताइए कितना जोर इन दो नामों पर है? बिल्कुल आशा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि राहुल गांधी, जो कि अभी तक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आज जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनके इस्तीफे को आज मंजूर किया जा सकता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा, क्योंकि राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे और गांधी परिवार के अलावा किसी को भी आप अपना अध्यक्ष चुनिए। लेकिन राहुल गांधी का कितना दखल होगा, इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि कल जब 370 के मुद्दे पर महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष CLP लीडर की बैठक हुई थी, तो राहुल गांधी ने सभी लोगों को इनवाइट किया कि कल CWC की बैठक में आप भी आ सकते हैं, आपको भी अपनी बात रखनी चाहिए, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, क्या उसमें बात होनी चाहिए। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि अभी तक संगठन में सबसे ज़्यादा अनुभव के लिहाज से मुकुल वासनिक का नाम सबसे आगे आ रहा है, लेकिन एक बात पे लगातार चर्चा हो रही है कि कुछ सब ग्रुप बना दिया जाए, जो कि राहुल गांधी के सुझाव पे ही एक ग्रुप बना दिया जाए और वो ग्रुप नए संभावित कांग्रेस अध्यक्ष का नाम सुझाए। अच्छा रमन, ये बताइए क्या क्राइटेरिया बना है कोई, कैसा कार्यकारी अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष चुना जाएगा की कार्यकारी अध्यक्ष, क्या इसको लेकर भी कोई स्पष्टता है और किस तरीके से परिभाषित नए अध्यक्ष को किया जाएगा, कोई प्रारूप तैयार है? बिल्कुल, देखिए कि अमूमन जब तक चुनाव नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी संगठन का चुनाव नहीं होता है, तब तक प्रोविजनल अध्यक्ष, प्रोविजनल कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने जाने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो कि सबको स्वीकार हो, क्योंकि अभी तक लंबे समय तक 20 साल तक सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी, उसके बाद करीब 2 साल तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के नेताओं को ऐसा नहीं लगता कि गांधी परिवार के अलावा अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो वो सबको स्वीकार्य होगा या उनके अंदर में बगावत नहीं होंगे। लेकिन लगातार कोशिशों के बाद भी जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद स्वीकार करने से मना कर दिया, तो अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मजबूरी है कि जो नाम हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, मीरा कुमार हों, मुकुल वासनिक हों, इनमें से ऐसा एक नाम चुना जाए जिनके नाम पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी सहमत हों और वो गांधी परिवार के भरोसेमंद भी हों, क्योंकि गांधी परिवार का भरोसेमंद होना भी अपने आप में सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, क्योंकि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं रहते हैं, सोनिया गांधी पहले अध्यक्ष थी, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला बिना सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सहमति से होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। आशा, बहुत शुक्रिया आपका रमन, विस्तार से हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए आप वहां बने हुए हैं। अपडेट्स लगातार हम आपसे लेते रहेंगे, नजर बना के रखिएगा। और देखिए, सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी भी अब जा रही हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए और आज पूरी उम्मीद कि कार्यकारी अध्यक्ष का नया नाम सामने आ जाए। कर्नाटक चुनाव को देखते हुए, दरअसल कर्नाटक में जो कुछ चल रहा था उसकी वजह से ये लेट हुआ, पहले ही बताया जा रहा था और अब आज 10 तारीख को उम्मीदें बांधी जा रही हैं।